तो इस कैनन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि हमने जो है कैनन 1500D को एक जो है बिगनर कैमरा के तौर पर जो है वो लॉन्च किया है और बहुत से बिगनर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ने जो है इसे बाय भी किया है। तो इस मैंने जो है कैनन के जितने भी कैमरा हैं उन सबको जो है वो टेस्ट भी किया है और उनको जो है यूज भी किया है। मुझे जो है कैनन 1500D को लॉन्च करने का रीजन जो है वो समझ नहीं आया। फिर यहाँ पर हम जो इसी रीजन को समझने के लिए इस कैमरे का फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का टेस्ट करके देखते हैं, आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में, वेडिंग में। फिर आज की वीडियो के हमारे जो है 5 स्टेप में, पहले स्टेप आपको इस कैमरे की बेस्ट सेटिंग बताऊंगा, दूसरे नंबर पर फोटोग्राफी का टेस्ट, तीसरे नंबर पर वीडियोग्राफी का टेस्ट और चौथे नंबर पर आपको इसके की फीचर और पांचवे नंबर पर आपको न्यू एंड यूज में प्राइस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस कैमरे की बेस्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस डायल से आपने जो इस कैमरे को मैनुअल मोड पे डालना है और यहाँ पर आपने क्यू के बटन को दबाना है। तो यहाँ पर जरूरी सेटिंग जो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, सबसे पहले आपने जो है पिक्चर स्टाइल को जो है स्टैंडर्ड पे या पोर्ट्रेट पर रखना है। इसके अलावा इसका जो वाइट बैलेंस है वो आप जो है ऑटो पे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कैल्विन का ऑप्शन जो नहीं मिलता। इसके अलावा जो आपने ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर को जो हाई के ऊपर रखना है। इसके बाद आपने जो ऑल फोकस के ऊपर क्लिक करना है, सिंगल शूटिंग, इसके अलावा वैल्यूएटिव मीटरिंग और जो है आपने पिक्चर क्वालिटी को हमेशा से लार्ज पे सेट करना है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग जो आपने मेन्यू से करनी है, मेन्यू के बटन को दबाने के बाद आपने जो है 4 नंबर पेज के ऊपर आना है और यहाँ पर जो है आपने लाइव व्यू मोड को अनेबल कर लेना है और यहाँ पर AF मेथड को जो है आपने लाइव मोड के ऊपर जो है कर लेना है। तो यहाँ पर जो आउटडोर फोटोग्राफी टेस्ट में हमने जो है कैनन का 85mm 1.8 लेंस जो है यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर जो है नेचुरल लाइट है, शाम के 4 से 5 बजे का यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर हमने जो इस कैमरे की लाइव व्यू मोड को, लाइव फोटोग्राफी को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर लाइव के ऊपर आप देख सकते हैं इसका फोकस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और प्रीव्यू आपको जो है काफ़ी देर बाद देता है जो पिक्चर बनाता है। आप जो है इसके ऊपर कैंडिड फोटोग्राफी, लाइव फोटोग्राफी या इसके अलावा लो लाइट फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जो है सिंपल इसके व्यू फाइंडर के अंदर देखकर जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपने जो है फैशन की फोटोग्राफी करनी है लाइव, वो आप जो है वो कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो मुश्किल पेश आ सकती है। तो यहां पर दूसरे नंबर पर जो इस कैमरे के ऑटो फोकस को टेस्ट करने की ट्राई किया है मैंने जो है व्यू फाइंडर के अंदर देखकर। यहां पर आप देख सकते हैं हम व्यू फाइंडर के अंदर देखकर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो जहां तक व्यू फाइंडर की बात है, व्यू फाइंडर के अंदर देख के आप जो है काफी अच्छी जो है इसके अंदर जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका फोकस जो है काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। आप जो फोकस को मैनुअल के ऊपर रखें और जो है खुद आप पॉइंट जो लेकर जाएं फेस के ऊपर या आई के ऊपर अगर आप रखेंगे तो आपको जो काफी अच्छा फोकस मिलेगा। फोकस आपका शेक भी नहीं होगा, जो कि आपका लाइव फोटोग्राफी में शेक होगा, यहां पर आपका जो शेक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इंडोर स्टूडियो फोटोग्राफी टेस्ट में हमने जो है कैनन का 18-55mm लेंस जो है यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है हम इसके साथ फ्लैश नहीं यूज़ कर सके, ना ही ट्रिगर यूज़ कर सके हैं, ना ही ये लाइट जो है यूज़ कर सके हैं। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो है सिंगल माउंट फ्लैश नहीं लगती है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी फ्लैश हैं, जो भी ट्रिगर हैं, इनके ऊपर जो है सिंगल पॉइंट है और इस कैमरे के ऊपर आप देख सकते हैं वो पॉइंट मौजूद नहीं है। ये कैनन 1500D और 200D के अंदर आता है। अगर आपके पास जो आपकी ओल्ड फ्लैश या ओल्ड ट्रिगर है वो इसके ऊपर यूज़ नहीं होंगे, तो ये फोटोग्राफी हमने जो स्टिल लाइट में की है। तो यहां पर हमने इस फोटो के अंदर जो इस कैमरे के वाइड बैलेंस को, कलर टून को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आप जो वाइड बैलेंस चेंज नहीं कर सकते कैल्विन के साथ और जो है इसकी कलर टून जो है वो आपको ऑटो के ऊपर जो इस तरीके की मिलती है। आप देख सकते हैं इसको आप जो खुद ही रेट कर सकते हैं। तो यहां पर दूसरे नंबर पर जो हमने इस कैमरे की कंटिन्यू शूटिंग स्पीड को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहां पर इसके ऊपर आप जो कंटिन्यूस तस्वीरें नहीं बना सकते क्योंकि इसकी कंटिन्यू शूटिंग स्पीड जो काफी कम है। अगर आप जो लाइव के ऊपर फोटो बनाएंगे फिर तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप जो है इसके व्यू फाइंडर के अंदर देखकर बनाते हैं फिर जो आप जो कुछ तस्वीरें जो अच्छी निकाल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपको जो है तकरीबन 5-10 MB के दरमियान जो है पिक्चर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसको आप जो है काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने नाइट फोटोग्राफी टेस्ट में जो है कैनन का 85mm 1.8 लेंस जो है यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फ्लैश लाइट यूज़ नहीं की। यहाँ पर हमने जो नाइट में नेचुरल लाइट मिलती है स्ट्रीट में, वो वाली नाइट जो है हमने यूज़ की है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने इस कैमरे के ब्लर एंड बुके को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर 85mm 1.8 लेंस है। अगर आप कोई 1.8 या 1.4 वाला लेंस जो है यूज़ करेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा ब्लर एंड बुके देखने को मिलेगा, जिसको आप जो अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छे
तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसके किट लेंस से तो फिर जो आपको ब्लर एंड बुके देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी पिक्चर के अंदर मैंने जो इस कैमरे की ISO रेंज को टेस्ट करने की ट्राई की है, इसके ग्रेन कवरेज को टेस्ट करने की ट्राई की है कि इसका जो सेंसर है वो किस हद तक जो है ग्रेन को कवर कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों पिक्चर के अंदर जो है मैंने जो 1600 ISO के ऊपर जो है शूट किया है। 1600 ISO जो है काफ़ी ज़्यादा है एक जो है आपके क्रॉप सेंसर कैमरे के लिए। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ग्रेन्स हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, एक बिगिनर कैमरा है, आप जो है इसको एडिटिंग में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी ISO कवरेज को जो है मैं 5/10 जो है मार्क्स दूंगा। जैसे यहाँ पर वीडियो की सेटिंग के लिए आपने जो है डायल को घुमाकर जो है कैमरे को वीडियोग्राफी के मूड के ऊपर डालना है, और यहाँ पर जो आपने क्यू के बटन को दबाना है, इसकी सारी सेटिंग जो आ जाएंगी। यहाँ पर व्यूज आप जो है अपने फ्रेम सेट कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी वही सेटिंग है जो आपको मैंने फोटोग्राफी में बता दी है। जो इस कैमरे की वीडियोग्राफी को डिटेल में टेस्ट करने के लिए मैंने जो है इस कैमरे से सिनेमैटिक फैशन फिल्म जो है वो शूट की है, जिसके BTS जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे छोटी स्क्रीन पे जो है आपको इसके रॉ क्लिप दिखा रहा हूँ, जो कि इसके एक्चुअल क्लिप है, जहाँ से इसके आपको जो एक्चुअल क्वालिटी जो है नज़र आ रही है, ये एडिटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो है एंड पे मैंने जो है 30 सेकंड की सिनेमैटिक फैशन फिल्म बनाकर लगा दी है। वो इस वजह से लगाई है ताकि आपको पता चले कि आप जो है किस हद तक जो है इसकी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसके आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में, तीनों जगह पर की है। तो क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जिसके ऑटो फोकस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑटो फोकस जो है वो आपके फेस को ट्रैक तो करता है, लेकिन अगर आप जो कोई प्राइम लेंस यूज करते हैं, जैसे कि 85 जो है मैंने यहाँ पर यूज किया है, और इनडोर में मैंने जो है यहाँ पर जो है इसका किट लेंस यूज किया है, तो यहाँ पर 85 के ऊपर इसका जो है फोकस काफी ज्यादा आउट होता है। यहाँ पर अगर किट लेंस की बात की जाए तो वहां पर जो इसका फोकस काफी ज्यादा जो है अच्छा है, आप जो उससे कोई भी जो है वीडियो जो है वो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर टोन की बात की जाए तो ऑटो वाइड बैलेंस पे आपको जो है ये ऑटो कलर देता है, जिसको जो है आपको एडिटिंग के अंदर सही करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ब्लर एंड बुके की बात की जाए तो आपको जो 85mm से काफ़ी अच्छा ब्लर एंड बुके मिलता है, लेकिन इसके किट लेंस से जो है वो अच्छा ब्लर एंड बुके आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो मैंने फैशन फिल्म लगा दी, आप खुद जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चौथे नंबर पर जो इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कैमरा है 24 मेगापिक्सल का क्रॉप सेंसर कैमरा है, जिसमें DIGIC 4+ प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर इस कैमरे के अंदर जो है 9 ऑटो फोकस पॉइंट जो दिए गए हैं। इसके अंदर आपको जो है 3 इंच की LCD मिलती है, जो कि टच स्क्रीन भी नहीं है और जो है रोटेटेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम ISO जो है वो आप 12,000 तक जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात की जाए तो 3 FPS जो इसकी कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है। तो इसकी मैक्सिमम शटर स्पीड की बात की जाए तो आप जो है 1/4000 तक जो इसकी शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो आप जो एक बार फुल करने पे 500 शॉट जो है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर इसकी वीडियो की स्पेक्स की बात की जाए तो वीडियो के अंदर जो आप फुल HD पे 30 FPS के ऊपर जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो वीडियो के अंदर जो है फेस ट्रैकिंग जो मिल जाती है। तो चलिए पांचवें नंबर पर जो इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला कैमरा जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आपको जो है $350 से लेकर जो है $400 के राउंड जो है कहीं से भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा इस कैमरे से जो मैंने फोटोज और वीडियोज बनाई है, उन सब फोटोज और वीडियोज का रॉ लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर उसको जो अभी डाउनलोड कर लें और जो एडिट करके अपने किसी भी पोर्टफोलियो में आप जो है एड कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पर जो है लगा सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगली वीडियो तक के लिए बाय।